हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नींबू के अचार की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये अचार बनाना बहुत आसान है। आप अगर एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार आप ऐसा ही अचार बनाना चाहेंगे और काफी समय तक हम इस अचार को स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे नींबू का अचार जितना पुराना होता है उतना ही टेस्टी होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो नींबू लिए हैं। ये पतले छिलके वाले नींबू हैं। ये नींबू काफी रसेदार होते हैं और इसी वजह से अचार बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया है और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब नींबू को हम सीधा खड़ा करके इस तरीके से कट करेंगे। कुछ लोग ज्वाइंट भी रखते हैं, पर मैंने इन्हें अलग अलग करके ही काटा है। सभी नींबू इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ। अचार बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम जीरा, 2 टेबलस्पून लौंग, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 7-8 पीपर, 4 बड़ी इलायची काली वाली, 100 ग्राम लगभग सेंधा नमक, चुटकी भर सुहागा, इसे मैंने तवे पर फुलाकर पीस लिया था, 2 टेबलस्पून काला नमक, चुटकी भर हींग, सभी मसालों को हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। इसमें मैंने पीसी हुई सौंठ लगभग 1 टेबल स्पून ऐड की है। अगर आपके पास साबुत सौंठ हो तो जब आप मसाला पीस रहे हैं तो उसी टाइम पे उस सौंठ के पीस को भी उसमें डाल दें। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसे नींबू में मिलाएंगे। हल्का सा मिलाते टाइम चम्मच से दबा दें। नमक के साथ मिलते ही ये थोड़ा गीला होने लग जाता है। मैंने इसे बोट में बनाया है। ये चीनी मिट्टी का है, इसमें अचार खराब नहीं होता है। अचार को जितनी धूप लगती है उतना ही जल्दी यह तैयार होने लगता है। हींग को हम तवे पर भून लेंगे और फिर इसे नींबू में मिलाएंगे। थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें डाल दें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ये सारे मसाले नींबू में जाएंगे, नींबू अपने आप रस छोड़ना शुरू कर देता है और जितने दिन हो सके आप इसे ज्यादा से ज्यादा धूप लगाएं। थोड़ा सा गल जाने पर इसमें आप, अगर आपको खट्टा अचार पसंद है तो चीनी रहने दें, और अगर आप खट्टा मीठा अचार खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी चीनी ऐड कर दें। बीच बीच में इसे चलाते रहें, कुछ दिन बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।